अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल मुनाफिक के एपिसोड 47 के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नाजरीन, आप देखेंगे कि उजाला कशक अब तो काफ़ी हद तक यकीन में बदल चुका है कि अफ़ान ही उसका बेटा है, लेकिन अब उसके पास इस बात का सबूत नहीं कि वो ये घर वालों को दावे के साथ कह सके कि ये बच्चा उसका है। तो नाजरीन, आप देखेंगे कि उजाला अब अरमान के तासुरात जानने के लिए उससे बच्चे का पूछती है, अरमान आपने हमारे बच्चे को कहाँ दफन किया है? जिस पर अरमान उसे कहता है, उजाला ये कैसा सवाल पूछ रही हो, कोई तो कब्रिस्तान होगा ना जहाँ आपने उसकी तदफीन की थी, मेरे दिल को वीरान करके कौन सी जगह आबाद की है आपने अरमान? यूँ अरमान के तो चेहरे की हवाइयाँ जैसे गायब ही हो गई। और दूसरी जानब हमजा उजाला को कॉल करके कहता है, मेरा एक डॉक्टर दोस्त है जिससे मैंने बात की तो उसने कहा कि बच्चे के डीएनए टेस्ट करने से पता चल जाएगा, उसके लिए हमें उसके बालों की ज़रूरत है, तो बस तुम कैसे भी करके अफ़ान के थोड़े से बाल ले आओ। और यूँ हमजा और उजाला डीएनए टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री आए होते हैं तो सोबिया भी वहीं होती है और वो उन्हें एक साथ वहाँ देख लेती है, लेकिन उसे यही होता है कि शायद दादी के टेस्ट करवाने आए हैं। और दूसरी जानब आप देखेंगे ये सब लंच कर रहे होते हैं तो सोबिया कहती है, मम्मा आपने दादी की तबीयत पूछी? वो तो मैं इसे लेबॉर्ट्री से निकलते देखा तो पूछ लिया। ये बात सुनते ही सबिया बेगम और अरवान के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। तो नाजरीन, अब देखना यह है क्या उजाला को कोई खास सबूत मिलेगा जिस पर वो अपना बच्चा इनसे ले लेगी। इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद ऐसी लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए देखते रहिए पाक सेलिब्रिटी न्यूज़।